मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में करने जा रहे हैं फेरबदल। कुछ मंत्रियों की होगी छुट्टी, इन्हें मिल सकता है नया मंत्री पद। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में करने जा रहे हैं फेरबदल के विषय में। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में परफॉर्म नहीं करने वाले मंत्रियों पर गाज गिरने की संभावना है। संघ और संगठन ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन किया है। इस आकलन में कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए हैं, इनसे जनता में नाराजगी है। ऐसे नॉन परफॉर्मेंस मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इनमें सिंधिया खेमे के मंत्री भी शामिल है। संघ और संगठन के सूत्रों की माने तो सरकार की छवि पुनः बनाने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या फिर विभागों में भी बदलाव करने की संभावना है। 3 से 4 नए मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने पर विचार चल रहा है। इनमें बीजेपी के मूल विधायक हैं, सिंधिया खेमे का कोई मंत्री या विधायक नहीं होगा। संघ सूत्रों की माने तो सरकार की परफॉर्मेंस और एक्शन लेने वाले इमेज बनाना है। जो मंत्री काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी भी हो सकती है। यह मैसेज जनता में देना है, इससे मंत्री दोगुनी रफ्तार से काम करेंगे और नए मंत्रियों में बीजेपी के असंतुष्ट और नाराज विधायकों को भी जगह मिल सकती है। इसमें विश्नोई राजपाल रामपाल सिंह जैसे बड़े प्रमुख नेता शामिल है। संघ चाहता है कि उनको पुनः मंत्री बनाया जाए, साथ ही सिंधिया खेमे के नाम परफॉर्मेंस को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।